तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो इंस्टीट्यूट अब 3 साइकिल में एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, सी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि होने वाला आपका जनवरी मई स्लैश जून एंड सितंबर मंथ। अब जो स्टूडेंट अपकमिंग नवंबर और दिसंबर मंथ में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एक तरीके से एग्जाम पोस्टपोन हो ही चुकी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के चलते हुए उनको एक तरीके से बेनिफिट भी बोल सकते हैं और एक तरीके से रिलैक्सेशन भी मिल चुका है। अभी अटेम्प्ट में जो है चेंजेस होते हैं, उनको फर्स्ट एवर बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। जिनके भी एग्जाम्स नवंबर और दिसंबर मंथ में होने हैं, ऑब्वियसली अब वो जनवरी मंथ में शिफ्ट हो जाते एक तरीके। लेकिन साथ ही में अगर इंस्टीट्यूट ये भी ऑप्शन दे रहे कि आप जो है सितंबर मंथ में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ सिंगल ग्रुप ही देना है, तो वो ऑब्वियसली बात है जनवरी तक का क्यों वेट करेंगे, सितंबर में एग्ज़ाम सिंपली अपने दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर तक कोई भी जो है सिंगल ग्रुप की तो प्रिपरेशन कर ही लेगा और आपके पास तो वैसे भी समय है। हाँ, कोई अगर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सितंबर में एग्ज़ाम देने के लिए। और आपको कोई हैसेज मैंडेटरी भी नहीं है कि आप सितंबर में ही एग्ज़ाम दो जो कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एवर इम्पैक्ट है जो कि आप पर इस ईयर के स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि अपकमिंग ईयर से तो पूरा स्ट्रक्चर ही वैसा हो जाएगा। स्टूडेंट्स की प्रिपरेशंस और जो उनका स्टडी पीरियड होगा वो उस तरीके से डिजाइंड होगा। सेम अप्लाई होती है सी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स पर भी, अगर उनको भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो सितंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिंपली सितंबर में अपने एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर इंस्टीट्यूट स्टडी पीरियड में चेंजेस करती है, हेज ऑफ नो स्टडी पीरियड में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो हाँ, एक तरीके से अगर हम स्टडी पीरियड वही मान के चले आपका, तो नवंबर के एग्जामिशन तो पोस्टपोन हो ही चुके हैं आपके, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साइकिल ही चेंज कर दिए है। लेकिन बात करें एट द एंड में सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके एग्जामिशन जो ट्वाइस इन अ ईयर ही कंडक्ट होने, उनके लिए अभी भी नवंबर अटेम्प्ट ओपन रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जब मई और नवंबर का ही साइकिल रहती है और इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई साइकिल है सच मेंशन नहीं करी है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम अभी भी नवंबर मंथ में हो सकते हैं। ऑल दो अपकमिंग डेज में तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, इससे आपको बेनिफिट भी रहेगा कि जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहा है वो जल्द से जल्द अपने एग्जाम दे सकते, और जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो इजीली जो है कुछ टाइम बाद जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सभी सीए स्टूडेंट्स के साथ जो भी अपकमिंग नवंबर और दिसंबर मंथ में एग्जाम देने जा रहे थे, बेस्ट किसी सभी सीए स्टूडेंट्स को उनकी एग्जामिशन की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताया कि आप कौन से लेवल से अपकमिंग नवंबर और दिसंबर मंथ में एग्जाम देने जा रहे थे। चैनल में अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलेगा, क्योंकि यूट्यूब में मात्र चैनल है जो आपको पिछले 4 सालों से जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड करवाता आ रहा है और चार्टर्ड फैमिली का पार्ट बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।